ओके दोस्तों, तो थर्ड ओडीआई मैच खेले जाने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। और अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि फैंटेसी की एक टीम बनाने की ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगा दोनों टीम के प्लेइंग 11 के स्टैट्स के बारे में, बताऊंगा दोस्तों आप लोगों को कि वेन्यू पे पिच का बिहेवियर कैसे होने वाला है। अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा, फर्स्ट ओडीआई मैच पे बॉल बहुत ज्यादा स्पिन कर रही थी, वहीं सेकंड ओडीआई मैच पे बॉल पे स्पिन था ही नहीं। तो इस पिच पे आप लोगों को स्पिनर और पेसर में से किसे एडवांटेज मिलने वाला है, ये सारी चीजें कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर प्लेयर के रीसेंट फॉर्म के बारे में और कौन सा की प्लेयर बन सकता है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आप सभी लोगों के लिए 10,000 रुपीज का एक गिव अवे कॉन्टेस्ट भी होगा, जिसे आप लोग एक नॉर्मल से क्वेश्चन का जवाब देकर जीत सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे लास्ट मैच का रिजल्ट शेयर कर दिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो मेरी फाइनल टीम और गिव अवे का आंसर आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है। तो सभी के सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं फर्स्ट ओडीआई मैच पे क्या हुआ था। ओके दोस्तों, अगर आप लोग देखोगे फर्स्ट ओडीआई मैच पे साउथ अफ्रीका की टीम ने 249 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे 40 ओवर पे। ठीक है, बारिश के वजह से जो फर्स्ट ओडीआई हुआ था वो 40 ओवर का हुआ था। जब इंडियन टीम इस रन को चेस करने आई थी ना, तो इंडियन टीम ने 240 रन बना दिए थे 8 विकेट के नुकसान पे 40 ओवर पे, और इंडिया ये वाले मैच को हार गई थी। जो परफेक्ट 11 के प्लेयर निकले थे इस मैच के, वो कौन थे? विकेट कीपिंग वाले सेक्शन से 3 प्लेयर आए थे, संजू सैमसन आए थे, क्वांटन डीकॉक आए थे और हेनरिक क्लासेन आए थे। वहीं बैटिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों ने देखा होगा डेविड मिलर आए थे, जानेमन मलान आए थे और आए थे श्रियास अय्यर। ऑलराउंडर वाले सेक्शन से सिर्फ 1 प्लेयर आए थे, शार्दुल ठाकुर, और बॉलिंग वाले सेक्शन से केशव महाराज, कगिसो रबाडा, लुंगी निगड़ी और आए थे रवि बिश्नोई। ये परफेक्ट प्लेइंग 11 थी फर्स्ट मैच की। मतलब अगर आप लोगों ने ये टीम बनाया होता ना, तो आप लोग भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे होते वहां का मेगा ग्रैंड लीग विन कर लेते। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं सेकंड ओडीआई मैच में क्या हुआ। सेकंड ओडीआई मैच पे अगर आप लोग बात करोगे, तो यहां पर देखो साउथ अफ्रीका की टीम ने बैटिंग करा इस मैच में भी, पहले 278 रन बनाए। ठीक है, डेविड मिलर, एच क्लासेन, रीजा हेंड्रिक्स और एडल माखरम, इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी थी। ठीक है, जिसके वजह से 278 रन तक टीम पहुंच पाई थी। बट जब इस रन को चेस करने आई ना, इंडिया का टॉप ऑर्डर दोबारा से कोलैप्स हुआ। बट श्रियास अय्यर की शानदार 100 रन की पारी और ईशान किशन की भी शानदार पारी के वजह से टीम इंडिया ने इस रन को इजीली चेस कर लिया 45.5 ओवर में, और सिर्फ 3 विकेट ही गिरे इंडियन टीम के। क्लियर? ओके, अब परफेक्ट प्लेइंग 11 जो बनी थी वो कैसी थी? देखो, विकेट कीपर वाले सेक्शन से आप लोगों को 2 प्लेयर दिखे थे, ईशान किशन और एच क्लासेन। वहीं अगर बात करूं बैटिंग वाले सेक्शन की बात करूं, तो आप लोगों को श्रियास अय्यर, डेविड मिलर और रीजा हेंड्रिक्स दिखे थे। और ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे एडन माक्रम, वेन पार्नर और शहबाज अहमद दिखे थे। वहीं बॉलिंग वाले सेक्शन पे आप लोगों को कगिसो रबाडा, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज दिखे थे। ठीक है, मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी थी, 3 विकेट्स लेकर ये भी गए थे। ये अभी तक जो 2 ODI मैच हुए हैं ना, उन ODI मैच के एनालिसिस है। अब देख लेते हैं वेन्यू जहां पर कि ये मैच होने वाला है। ओके दोस्तों, अगर बात करूं इस मैच की, तो ये मैच आप सभी लोगों को पता है कि अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली पे होने वाला है। क्लियर? यहां के पिच के बारे में बताता हूं, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर यहां पर खेले गए लास्ट के 3 मैच की एनालिसिस को अगर आप लोग देखोगे, 2 ये मैच काफी पुराने हैं, बट पिच का जो बिहेवियर रहता है ना, वो सेम रहता है। पहले मैच में आप लोगों ने देखा रेड सॉइल पिच था, तो वहां पर स्पिन को बहुत सपोर्ट मिल रहा था। कल के मैच में आप लोगों ने देखा ब्लैक सॉइल पिच था, ज्यादा सपोर्ट नहीं था स्पिनर को। अब यहां पर क्या होने वाला है उस बात को देखो। देखो यहां पर 17 विकेट गिरे थे जो रीसेंट मैचेस हुए हैं, यहां पर 19 विकेट गिरे थे, यहां पर दोबारा से 19 विकेट गिरे हैं। इसका मतलब क्या है? एक बात तो क्लियर है भैया, यहां पर विकेट्स खूब जाने वाले हैं। प्लस
पेसर और स्पिनर का अगर आप लोग रेशियो देखोगे ना, तो पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छे खासे यहां पर विकेट्स भी मिल रहे हैं। इसका मतलब पेसर और स्पिनर दोनों यहां पर अच्छा करने वाले हैं। प्लस जो टोटल विकेट गिरा है वो भी 55 है, और अगर आप लोग स्कोर को देखोगे तो स्कोर कुछ ज्यादा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को ऑलराउंडर वाला सेक्शन मोस्टफुली सबसे ज्यादा डोमिनेट करता हुआ दिखेगा, और यहां पर जो एवरेज स्कोर मुझे लगता है वो स्कोर यहां पे 260 से 280 रन के बीच में ही रहने वाला है। और विकेट्स की बात करो तो यहां पर आप लोगों को 7 से लेकर 9 विकेट तक गिरते हुए दिख सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, यहां पर रन बनाना उतना आसान नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं दोनों टीम के प्लेइंग 11 को। ओके, इंडियन टीम्स की प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो यहां पर शिखर धवन और शुभम गिल आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखते हैं। फर्स्ट राउंड पोजीशन पे ईशान किशन आए थे, श्रेयस अय्यर आए थे, उसके बाद फिर आते हैं संजू सैमसन, फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे आप लोगों को वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद और शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखे थे। वहीं बॉलिंग वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को कुलदीप यादव, आवेश का और मोहम्मद शिराज खेलते हुए दिखे थे। टीम इंडिया यहां पर एक चेंजेस जो कर सकती है वो यही चेंजेस हो सकती है कि ऋतुराज गायकवाड़ को दोबारा से टीम पर लेकर आए और ऑलराउंडर वाले सेक्शन से शहबाज अहमद को ड्रॉप किया जा सकता है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, साउथ अफ्रीका की पॉसिबल प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो यहां पर क्वेंटन डीकॉक और जानेमन मलान आप लोगों को ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फर्स्ट राउंड पोजीशन पे आए थे रीजा हेंड्रिक्स। मैंने आप लोगों को T20 सीरीज से ही बोला था कि रीजा हेंड्रिक्स एक शानदार प्लेयर है। दोस्तों मुझे समझ में आया नहीं कि टीम ने इन्हें अभी तक क्यों मौका नहीं दिया। टेम्बा बहुमा आउट हुए कैप्टनशिप से और मौका मिला किसे, रीजा हेंड्रिक्स को, और आते ही उसने शानदार पारी भी खेली, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद एडन माक्रम आएंगे आप लोगों के ऑलराउंडर वाले सेक्शन से, ठीक है। कल के मैच में इन्हें बॉलिंग पे अच्छा एडवांटेज रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हेनरिक क्लासन दिखेंगे, डेविड मिलर दिखेंगे, वेन पार्नाल दिखेंगे। वहीं बॉलिंग वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो केशव महाराज, बिजॉन फॉर्ट्यून, कगिसो रबाडा और एनरिच नार्के आप लोगों को खेलते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने सेकेंड ओडीआई मैच में मैंने आप लोगों को बताया था इस ऐप के बारे में, प्रोबो ऐप के बारे में। प्रोबो ऐप क्या है दोस्तों, प्रोबो ऐप आप लोगों का प्रिडिक्ट एंड विन ऐप है, ठीक है। आप लोग अपनी फैंटेसी की टीम बनाते हो, वहां आप लोग 11 प्लेयर सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप लोग कैप्टन सेलेक्ट करते हो, वाइस कैप्टन सेलेक्ट करते हो, उसके बाद आप लोगों की कंप्लीट टीम बनती है। बट यहां पर एज सच कुछ नहीं है, यहां पर बस आप लोगों ने प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करने वाली है, दैट्स ऑल। जैसे मैंने सेकंड ओडीआई मैच में आप लोगों को बताया था कि इंडिया के विन करने की प्रोबेबिलिटी हाई है, अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा प्रोबो में तो उसने खूब पैसे बना लिए। अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग भी बस यस और नो करके पैसा कमाना चाहते हो तो प्रोबो ऐप को डाउनलोड कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे इस ऐप का लिंक है, क्लियर। होगा क्या, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, जैसे इंडिया टू विन द थर्ड ओडीआई वर्सेस साउथ अफ्रीका, क्या इंडिया थर्ड ओडीआई मैच को विन करेगी? यस, मुझे लगता है कि इंडिया थर्ड ओडीआई मैच को विन कर लेगी। क्वेश्चन आप लोगों को कुछ ऐसे मिलेंगे, विच टीम विल स्कोर मोर रन इन फर्स्ट ओवर, इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो यहां पर अगर आप लोग देखा होगा कि इंडियन टीम थोड़ा संभलकर खेलती है, वहीं अगर आप लोग साउथ अफ्रीका की टीम को देखोगे तो वहां पर स्कोर किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, साउथ अफ्रीका की टीम यहां पर फर्स्ट ओवर में ज्यादा रन करेगी। इंडिया टू स्कोर 25 और मोर रन एट द एंड ऑफ थ्री ओवर, नहीं। आप लोगों ने देखा होगा T20 का मैच होगा तो ये होगा पॉसिबल, बट ODI में टीम फास्ट नहीं खेलती है, तो 3 ओवर में 25 रन इन जनरल नहीं बनते हैं, तो मैं यहां पर नो साइड का प्रेड होगा। बस आप लोगों ने यस नो करना है, ठीक है, और आप लोग यहां पर खूब सारा पैसा कमा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आपका लिंक है, लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड कर लेना। एक खास बात है दोस्तों, ये ऐप सिर्फ क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है। अगर आप लोगों को किसी भी फील्ड की अच्छी नॉलेज है, मैं कहता हूं आप लोगों को फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को टेनिस की अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को अच्छी नॉलेज है कबड्डी की, कबड्डी अभी चल ही रहा है, तो आप लोग यहां पर खूब पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छा है, शानदार ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस, और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विकेट कीपर वाले सेक्शन से। विकेट कीपरिंग वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को इंडियन टीम पे ईशान किशन और संजू सैमसन खेलते हुए दिखते हैं। ईशान किशन की लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो 6 रन, 50 रन, 20 रन और लास्ट मैच में शानदार 93 रन की पारी खेली थी।
आठ मैच में 29 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 93 का है, 50 तीन बार बना चुके हैं, मतलब आठ मैच में अगर आप लोग देखोगे तो तीन बार एक इंपैक्टफुल पारी आई है, वेन्यू में कोई रिकॉर्ड नहीं है। संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं तो लास्ट पांच मैच में 43, 15, 86 और कल के मैच में 30 रन की पारी खेली थी। 9 मैच पे 65 के एवरेज से खेले हैं, बेस्ट स्कोर 86 का है, 50 दो बार बना चुके हैं। अच्छा, अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो ईशान किशन आप लोगों को फर्स्ट डाउन पोजीशन पे खेलता हुआ दिखता है, वही संजू सैमसन आप लोगों को थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलता हुआ दिखता है। अपॉर्चुनिटी ईशान किशन के पास हमेशा से ज्यादा रहती है कि उसकी बैटिंग आ जाएगी, अगर टॉप ऑर्डर अच्छा भी खेल जाता है तब भी उसकी बैटिंग आ जाएगी, बट संजू सैमसन के साथ एक ही डिसएडवांटेज है कि संजू सैमसन थोड़ा डाउन द लाइन नीचे खेलने आता है, अगर चेस करना हुआ और रन ज्यादा नहीं हुआ और टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर जाता है तो संजू सैमसन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। बट संजू सैमसन के साथ एक एडवांटेज ये रहता है कि संजू सैमसन आप लोगों को विकेट कीपरिंग के पीछे खड़ा होता हुआ दिखता है, मतलब ये कीपरिंग करता है तो कीपरिंग पे कैचेस स्टंपिंग के चांसेस रहते हैं, तो उसका एक एडवांटेज संजू सैमसन के पास रहता है। तो टीम अगर चेस करने आती है तो ईशान किशन को आप लोग ट्राई कर सकते हो, टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करने आती है और आप लोगों को लगता है कि ईशान किशन फ्लॉप होगा तो आप लोग संजू सैमसन को मेगा ग्रैंड लीग पे ट्राई कर सकते हो, मतलब संजू सैमसन मेगा ग्रैंड लीग का प्लेयर है, वहीं ईशान किशन आप लोगों के लिए स्मॉल लीग का प्लेयर रहेगा कल के मैच में। साउथ अफ्रीका की टीम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को क्विंटन डीकॉक और हेनरिक क्लासेन खेलते हुए देखते हैं। क्विंटन डीकॉक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ओपनिंग करने आते हैं जानेमन मलान के साथ। ओके, एक मैच में इन्होंने 48 रन की पारी खेली, फिर 5 रन की पारी खेली, ठीक है, 134 मैच पे 46 का इनका एवरेज है। वही बात करूं हेनरिक क्लासेन की तो इन्होंने दोनों मैच में अच्छी पारी खेली, 74 रन की पारी खेली और 30 रन की पारी खेली, थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलने आते। ओके, वेन्यू पे दोनों में से किसी का रिकॉर्ड नहीं है। हेनरिक क्लासेन की अगर आप लोग बात करोगे तो 29 मैच में 34 का इनका एवरेज है, दो मैच का अगर आप लोग एवरेज निकालोगे तो 104 रन बना चुके हैं, इसका मतलब कितने 52 के एवरेज से खेल रहे हैं दो मैच पे। वही तीन मैच में अगर आप लोग इनके एवरेज को देखोगे, अगर ज्यादा रन भी नहीं बनाते हैं ना तब भी 29 के एवरेज से ऊपर रहने वाले हैं, क्योंकि 29 के एवरेज के हिसाब से भी इनका रन कितना होना चाहिए, 87 रन होना चाहिए इनके पास। हेनरिक क्लासेन को मैं इसी लॉजिक के साथ ड्रॉप करने चाहता हूं, क्यों, क्योंकि वो जो अपना एक मेंटेन करके चलते हैं एवरेज, उस एवरेज से ऊपर अभी चल रहे हैं, क्लियर। तो स्टैटिस्टिकली हेनरिक क्लासेन को मैं ड्रॉप करके चलूंगा और मैं क्विंटन डीकॉक को अपनी टीम पर लेकर चलूंगा, क्लियर। ओके दोस्तों, अब आ जाओ आप सब लोग बैटिंग वाले सेक्शन। बैटिंग वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो इंडियन टीम पे आप लोगों को शिखर धवन, शुभम गिल और श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखेंगे, वहीं साउथ अफ्रीका के बैटिंग वाले साइड पे आप लोगों को दिखेंगे जानेमन मलान, आप लोगों को दिखेंगे रीजा हेंड्रिक्स और आप लोगों को दिखेंगे डेविड मिलर। ओके, शिखर धवन की मैं बात करूं तो दोनों मैच में इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, इनफैक्ट शुभम गिल का भी दोनों मैच में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, उससे पहले अच्छे फॉर्म पे थे, लास्ट पांच इनिंग्स का अगर आप लोग इनका स्कोर देखोगे तो 81 रन, 33, 40, बट लास्ट के दो मैच से ये फ्लॉप चल रहे हैं। 160 मैच में 45 का एवरेज है, बट लास्ट के दो मैच में देखोगे तो 13 और 4 17 रन ही बना पाए, इस बात को नोट डाउन करके रखना। शुभम गिल की अगर मैं बात करूं तो ये ओपनिंग पे आते हैं शिखर धवन के साथ, लास्ट पांच मैच में 82, 33, 130, बट इस सीरीज में ये भी फ्लॉप रहे हैं, 3 रन और 28 रन, क्लियर। 11 मैच पे एक बार सेंचुरी बना चुके हैं, तीन बार हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं तो श्रेयस अय्यर के लिए ना ये सीरीज बहुत अच्छा चल रहा है, इनफैक्ट उससे पहले भी अच्छा ही कर रहे थे, यहां देखोगे तो 54 रन, 63 रन, 44 रन, 50 रन और 113 रन, 32 मैच पे 42 के एवरेज से खेलते हैं और 32 मैच पे 14 मैच में इंपैक्टफुल पारी खेल चुके हैं, मतलब अगर इंटू टू करोगे तो हर दूसरे मैच में वैसे एक इंपैक्टफुल पारी आती है, बट अभी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, मेगा ग्रैंड लीग पे चाहो तो ड्रॉप करके एक रिस्क लिया जा सकता है, बट स्मॉल लीग के लिए आप लोगों को श्रेयस अय्यर को लेकर ही चलना पड़ेगा, सिलेक्शन परसेंटेज काफी हाई है, ड्रॉप नहीं किया जा सकता है, बट इन दोनों में से एक प्लेयर को ड्रॉप करके हमें रिस्क स्मॉल लीग पे भी लेना पड़ेगा। ओके, वही बात करूं साउथ अफ्रीका की टीम से तो यहां पर रीजा हेंड्रिक्स को मौका मिला था, इन्होंने 74 रन की पारी खेली थी, डेविड मिलर 75 और 35 रन की पारी खेल के बैठे हैं, वहीं जानेमन मलान की मैं बात करूं तो 25 और 22 रन की पारी चली अभी तक।
ओके अगर बात करूं जानेमन मलान की तो ये भी शानदार प्लेयर है दोस्तों, 22 मैच में 51 का एवरेज है, बेस्ट स्कोर 177 का है, 50 चार बार, सेंचुरी 3 बार, मतलब 22 मैच में से 7 मैच पे इंपैक्टफुल पारी आई है और लास्ट के 2 मैच पे फ्लॉप रहे हैं। इन जनरल हर तीसरे मैच पे परफॉर्म करते हैं तो ये इनका तीसरा मैच होने वाला है, इनफैक्ट चौथा पांचवा मैच होने वाला है, तो जानेमन मलान पे पक्का से रिस्क लेकर मैं चलूंगा, मैं इन्हें अपनी टीम पर रख कर ही चलूंगा। रीजा हेंड्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो 25 मैच में 27 का इनका एवरेज है, बेस्ट स्कोर 102 का है, 50 चार बार है, सेंचुरी 1 बार बना चुके हैं। वही डेविड मिलर 148 मैच 41 का इनका एवरेज है। अब बैटिंग वाले सेक्शन से मैं जानेमन मलान को लेकर चलूंगा, मैं श्रियास अय्यर को लेकर चलूंगा और मैं शुभम गिल और श्रियास अय्यर श्रियास अय्यर को मैं लेकर चलूंगा, ठीक है। शुभम गिल और शिखर धवन पे मैं डिफरेंशियल बना सकता हूं, सेफ साइड जाना है तो दोनों को लेकर जा सकते हो, श्रियास अय्यर को लेकर जा सकते हो और यहां से आप लोग ना जानेमन मलान के साथ कल रिस्क लेकर चलना, जैसे लास्ट मैच में रीजा हेंड्रिक्स पे रिस्क लिया था ना, इस मैच पे आप लोग जानेमन मलान के साथ रिस्क लेकर पक्का ट्राई करना मेगा ग्रैंड लीग। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर एक तो जानेमन मलान रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए, ध्यान रखना। एक दोस्तों आप लोगों के लिए इंडियन टॉप ऑर्डर में से रहने वाला है, इन दोनों में से एक चलेगा कल, कैप्टन या वाइस कैप्टन का कंटेंडर भी बन सकता है। वैसे अगर पिच जैसे मैंने आप लोगों को रिव्यू करा था तो विकेट्स गिनने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं तो ऑलराउंडर वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है। अच्छा एक बात सुनो, अगर ऑलराउंडर वाले सेक्शन से आप लोग एडेन मार्करम को ड्रॉप करते हो ना, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को रीजा हेंड्रिक्स और डेविड मिलर के बीच में डिफरेंशियल बनाकर एक प्लेयर को रख करना चाहिए। क्लियर? अभी सब स्ट्रक्चर लास्ट में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहिए और मेगा ग्रैंड लीग की आप लोगों को पूरी कॉम्बिनेशंस के साथ भी एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को भी देख लेना। अभी तो जस्ट हम स्टैटिस्टिकली डिस्कस कर रहे हैं। ओके बात करूं ऑलराउंडर वाले सेक्शन की, लेकिन उससे पहले आज का गिव अवे का क्वेश्चन दोस्तों, आज के गिव अवे का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने बताना है इस मैच का कैप्टन कौन होगा, उसके कितने पॉइंट्स होंगे। क्लियर? अगर आप लोगों का जवाब सही होता है तो मैच खत्म होने के बाद तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को कन्वे कर दिया जाएगा, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को वीडियो बना के ही दिखा दिया था कैसे चेक किया जाता है, पॉइंट सही होंगे, पॉइंट पे हम लोग सर्च लगाएंगे, कैप्टन पता चल जाएगा, बस उसी समय आप लोगों को पता चल जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन पे पक्का से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ओके दोस्तों चलिए अब ऑलराउंडर वाले सेक्शन को देखते हैं। तो इंडियन टीम पे ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे आप लोगों को वॉशिंगटन सुंदर, शहबाज अहमद और शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखेंगे। ओके वॉशिंगटन सुंदर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट मैच में एक विकेट मिला था इन्हें। अगर आप लोग इनके लास्ट के 5 मैच का रिकॉर्ड देखोगे तो यहां पर देखो एक विकेट है, यहां पर 3 विकेट है, यहां पर एक विकेट, 24 रन है, यहां पर विकेट नहीं मिला है बट 33 रन है, 4 डाउन पोजीशन पे आएंगे। इसका मतलब बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं, तो आप लोगों ने एक तो वॉशिंगटन सुंदर को अपने टीम पर रखकर चलना है। सेकेंड बात करूं शार्दुल ठाकुर के, तो शार्दुल ठाकुर को देखो कल के मैच में एक विकेट मिला था, उससे पहले भी यहां देखो 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, डेथ पे बॉलिंग इन्हें मिल रहा है, 2 बॉलिंग के ज्यादा ओवर नहीं मिल रहे हैं बट डेथ पे बॉलिंग करने आता है ना तो विकेट निकाल के ले जाता है, प्लस बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर यहां से आप लोगों के लिए शार्दुल ठाकुर रहेगा। मतलब वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है, शहबाज अहमद को चलो मैं ड्रॉप कर रहा हूं, मेगा ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन पे आप लोगों ने कैसे ट्राई करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहीं बात करूं साउथ अफ्रीका के टीम से, तो साउथ अफ्रीका के टीम से दोस्तों आप लोगों ने वेन परनाल को भी लेकर चलना है और एडेन मार्करम को भी आप लोगों ने लेकर चलना है, दोनों प्लेयर को आप लोग लेकर चलोगे। क्लियर? देखो एडन मार्करम को आप लोग किस कंडीशन पे ड्रॉप कर सकते हो आप उस बात को देखो, वेन परनाल को तो आप लोगों ने लेकर ही चलना है, एक इंपॉर्टेंट पिक प्लेयर है, बॉलिंग भी अच्छा कर लेता है, बैटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो बैटिंग पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर ही देता है। अच्छा एडन मार्करम को किस कंडीशन पे ड्रॉप किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बैटिंग वाले सेक्शन पे बताया था कि मैं जानेमन मलान को अपनी टीम पे ट्राई कर रहा हूं और मेरे पास 2 और प्लेयर बच जाते हैं, रीजा हेंड्रिक्स और डेविड मिलर। अगर आप लोग रीजा हेंड्रिक्स या डेविड मिलर में से किसी एक को लेकर चलते हो तो उस केस पे आप लोग एडन मार्करम को ड्रॉप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स एडन मार्करम से ऊपर खेलने आता है और डेविड मिलर एडन मार्करम के नीचे खेलने आता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बीच में एडन मार्करम ने परफॉर्मेंस नहीं दिया ना तो प्रोबेबिलिटी हाई है या तो उससे ऊपर वाला प्लेयर या उसके नीचे वाला प्लेयर अच्छा खेल कर जाए,
उस कंडीशन पे आप लोग एडन माक्रम को ड्रॉप कर सकते हो, बट स्मॉल लीग पे ना आपका अपोनेंट पक्का से लेकर आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो रिस्क टेकर्स हो, हल्का सा घुमाना चाहते हो तो टीम को घुमा सकते हो, ठीक है। सेवन स्पॉट तक इन सारे चेंजेस को किया जा सकता है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो दोस्तों देखो, कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर एक तो आप लोगों के लिए वेन पार्नल हो सकता है अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो, क्योंकि बॉलिंग अच्छा करता है, डेथ पे इसे ओवर मिलेगा। सपोज करो 2-3 विकेट ले लेता है, बैटिंग तक की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, 30 रन भी कर देता है तो एक अच्छा चॉइस रहेगा। इंडियन टीम से अगर स्पिन सेक्शन को एडवांटेज रहता है तो वॉशिंगटन सुंदर भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि बैटिंग पे भी पॉइंट देता है और आप लोगों को बॉलिंग पे भी अच्छा पॉइंट देगा। क्लियर। अब आ जाओ दोस्तों बॉलिंग वाले सेक्शन में। बॉलिंग वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को इंडियन टीम पे मोहम्मद शिराज, अवेश खां और कुलदीप यादव खेलते हुए दिखते हैं। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम पे आप लोगों को केशव महाराज, बियॉन फॉर्ट्यून, कगिसो रबाडा और एनरिच नार्के खेलते हुए देखते हैं। ओके, अगर बात करूं लास्ट मैच की तो मोहम्मद शिराज को 3 विकेट मिले थे और अवेश खां दोनों मैच में विकेटलेस गए हैं, कुलदीप यादव को भी 1 विकेट मिला है। तो इस मैच पे अगर टीम इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो आप लोग फॉर्म को देखते हुए मोहम्मद शिराज और कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हो फर्स्ट इनिंग्स पे अगर बॉलिंग करने आती है। सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो आप लोग खाली कुलदीप यादव को लेकर चलना और इन दोनों पेसर को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो। वहीं बात करूं साउथ अफ्रीका की टीम से तो साउथ अफ्रीका की टीम से देखो, केशव महाराज पहले मैच में 1 विकेट मिला था, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला है। बियॉन फॉर्ट्यून की अगर मैं बात करूं तो बी फॉर्ट्यून को 1 विकेट मिला था बट बॉलिंग में कुछ खास मतलब धार दिखी नहीं। कगिसो रबाडा को विकेट्स मिल जाते हैं तो यहां से एक कगिसो रबाडा आप लोगों के लिए पिक होना चाहिए। और अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो आप लोग कगिसो रबाडा को ट्राई करना, आप लोग एनरिच नार्के को ट्राई करना, आप लोग यहां से कुलदीप यादव को ट्राई करना। इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो आप लोग मोहम्मद शिराज को ट्राई करना, आप लोग कुलदीप यादव को ट्राई करना और यहां पर आप लोग चाहो तो उस केस में केशव महाराज को भी ट्राई कर सकते हो सेकंड इनिंग्स के लिए। उस केस में आप लोग केशव महाराज और कगिसो रबाडा के बीच में डिफरेंशियल बनाकर चलना, बट फर्स्ट इनिंग्स पे आप लोगों के लिए कगिसो रबाडा और एनरिच नार्के दोनों इंपॉर्टेंट पड़ने वाले हैं। क्लियर। अभी के टाइम पे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 2 टीम बनाए हैं, उन 2 टीम को देख लो। देखो सेफ साइड की टीम्स हैं, कैसे आप लोगों को लेकर चलना चाहिए। यहां पर देखोगे तो क्वेंटिन डीकॉक और ईशान किशन है मेरे पास, यहां पर शिखर धवन है, श्रियास अय्यर है और आप लोगों के पास रीजा हेंड्रिक्स है, जानेमन मलान नहीं है। आप लोग चाहो तो यहां पर ना एडन माक्रम के बदले जानेमन मलान को लेकर रिस्क ले सकते हो, जानेमन मलान के अच्छे करने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। बाकी शार्दुल ठाकुर है, वेन परनाल है, के कुलदीप यादव है, कगिसो रबाडा है और मोहम्मद शिराज है। ओके, वहीं इस टीम को देखोगे आप लोग तो यहां पर मैंने क्वांटिन डीकॉक को रखा है, रीजा हेंड्रिक्स, जानेमन मलान को रखा है, शिखर धवन, शुभम गिल और श्रियास अय्यर को रखा है, यहां पर वेन परनाल और शार्दुल ठाकुर को रखा है, यहां केशव महाराज, कुलदीप यादव और कगिसो रबाडा को अपॉर्चुनिटी। बट जो फाइनल टीम होगी ना दोस्तों वो टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेगी, क्योंकि मुझे भी पिच के रिव्यू को सुनना है और उस हिसाब से अपनी टीम पे चेंजेस करने हैं। क्लियर। और प्लेइंग 11 पे भी अगर एक प्लेयर भी इधर का उधर चेंज होगा तो पूरे टीम के स्ट्रक्चर पे चेंज आ सकता है, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आपका लिंक है, पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग इजी विनिंग करना चाहते हो तो प्रोबो ऐप आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यस और नो करके विनिंग करना है, बस प्रिडिक्ट करना है आप लोगों ने कि आउटकम क्या होगा। मैच के दौरान भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो फ्री में पैसा देकर निकल रहे होते हैं, आप लोगों को पता होता है, तो डाउनलोड पक्का से करना, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे आपका लिंक है। चलिए दोस्तों तो यही था आज के इस वीडियो में, होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी पक्का से दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर